हेलो हाय फ्रेंड, आज हम जानने वाले हैं एसएमपीएस में लगने वाले आईसी के बारे में। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, पावर सप्लाई का डायग्राम है, एसएमपीएस लगा हुआ है, एसएम ट्रांसफार्मर है, आईसी है, मेन कैपेसिटर है, आउटपुट वोल्टेज है, ऑटो कपलर है और यहाँ पर लगने वाला आईसी। आईसी के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा आईसी कहाँ पर लगाना है और कैसे लगाना है। तो इस आईसी के बारे में, वोल्टास इन्वर्टर एसी का, ठीक है। अब इसमें जो आईसी लगा है, ये देखिए यहाँ पर आ गई है। ये देखिए यहाँ पर जो आईसी लगा हुआ है, ये आईसी चिप में था, ठीक है। ये रहा चिप में है ये आईसी। अब ये मार्केट में मिल नहीं रहा है, पैकेजिंग है, एसएमडी है, ठीक है, एसएमडी आईसी है। अब ये यहाँ पर ये ख़राब है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये नहीं मिल रहा है तो क्या लगाएं इसके बदले में। तो यहाँ पर देखिए सेम नंबर का लाए हैं, 10Y277PN लगा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर किस प्रकार लगाएंगे ये भी देखेंगे, ओके। तो दोस्तों अभी हम पहले इस आईसी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। 10Y का आईसी है, इसके बारे में देख लेते हैं, ओके। चलिए आ जाइए। आईसी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है एक नंबर पिन इनेबल अंडर वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद दो नंबर पिन बाईपास मल्टीफंक्शन, और इसके बाद यहाँ पर तीन नंबर खाली है, नहीं है तीन नंबर पिन, ये रहा चार नंबर पिन ड्रेन पिन है, ठीक है, चार नंबर ड्रेन पिन है। और बाकी जो इधर 5, 6, 7, 8 पिन जो है सोर्स है, सोर्स 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर और 5 नंबर सोर्स है, ठीक है। चार नंबर क्या है, ड्रेन पिन है, तीन नंबर नहीं है, दो नंबर बाईपास है और एक नंबर इनेबल अंडर वोल्टेज है। ये आपको याद होना चाहिए कि ये आईसी का कौन सा पिन क्या है, ठीक है। तो मैं आपको जो आईसी का नंबर बता रहा हूँ, ENY277PN के बारे में बता रहा हूँ। अभी ये PN है, अगर इसको हम छोटा करते हैं, चिप में करते हैं तो G में आ जाएगा ये, ठीक है, SMD में। तो ये SMD नहीं है, बड़ा वाला SMD का भी सेम रहेगा और बड़े वाला का भी सेम रहेगा। तो एक दूसरे के बदले में लगा सकते हैं दोनों को, ओके। अभी आपने देख लिया आईसी का, एक नंबर पिन एनेबल वोल्टेज है, दो नंबर बाईपास है, चार नंबर ड्रेन है और बाकी पिन सोर्स है। तो यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम में कि कौन सा पिन आईसी का कहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, प्लस पिन 300 वोल्टेज यहाँ पर आता है, आप कहाँ से आता है जान रहे हो आप, 300 वोल्ट डीसी। ये रहा कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर 2268 AF, ठीक है, 450 वोल्ट, 100 AF 450 वोल्ट। ये रहा माइनस, इसका माइनस है जिसको मैं बोलता हूँ फोल्टिंग ग्राउंड, ठीक है। प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस के बाद देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग से 300 वोल्टेज रनिंग करेगा, और 300 वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा, प्राइमरी वाइंडिंग का फर्स्ट सिरा से घुसा और इसके छोर से निकल के कहाँ चला गया, ड्रेन में। मतलब यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 300 वोल्ट DC है, ओके। ड्रेन में कितना वोल्टेज आएगा, 300 वोल्ट आएगा यहाँ पर, ओके। ये लग गया ड्रेन में, ड्रेन लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सोर्स, सोर्स क्या है, माइनस फोल्टिंग ग्राउंड। तो यहाँ पर सोर्स हमें एक ही पिन दिया गया है, तो सोर्स हमें क्या है, देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पिन है, चार पिन को सोर्स हमें लगेगा, मतलब ग्राउंड होगा वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दो नंबर पिन क्या है, बाईपास है, बाईपास में सिर्फ है एक कैपेसिटर दिया, सादा कैपेसिटर, चिप कैपेसिटर भी हो सकता है, 104 नंबर का भी, ठीक है, मशरूम की दाल की तरह दिखता है वो वाला भी हो सकता है है ना। ये रहा आपका कैपेसिटर, ये बाईपास है, स्टार्ट इसका पहले करता है, फिर उसके बाद ये कमांड आउटपुट आते ही, 12 वोल्ट आते ही ये LED जलेगा, तो ये कमांड यहाँ पर इनेबल अंडर वोल्टेज जो है कंट्रोल कर लेता है। इनेबल अंडर वोल्टेज देख लो यहाँ पर है, ये आईसी नंबर से निकल के, आईसी का कौन सा नंबर है, एक नंबर पिन, एक नंबर पिन से ये सीधा ऑटो कपलर के चार नंबर पिन पे गया है, ठीक है। आइए इसका तीन नंबर कहाँ है, ग्राउंड है, ऑटो कपलर का तीन नंबर ग्राउंड है, चार नंबर में
इनेबल अंडर वोल्टेज कंट्रोल करेगा, आईसी के साथ जुड़ा हुआ है। ओके समझ गए, ठीक है। यहां पर 300 वोल्टेज रनिंग, 300 वोल्टेज ड्रेन में, फोल्टिंग ग्राउंड सोर्स में, और साथ में बाईपास के लिए एक पीएफ में, और यहां पर 3 नंबर ऑटो कपलर का, और यहां पर 4 नंबर इनेबल अंडर वोल्टेज में आईसी को जाएगा। 1 नंबर पिन है बाईपास, 2 नंबर पिन है, ये 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन है, और ये जो है 4 नंबर पिन है, और सोर्स हमें देख रहे हो कितना पिन है, 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 नंबर का पिन यहाँ पर सोर्स में है। अब इस प्रकार से आपका डायग्राम मिलेगा, आप किसी भी आईसी को यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने उपयोग किया हूँ TNY 277 का, यहाँ पर आप लगा सकते हैं TNY, ठीक है, 274 से लेकर, ओके TNY 274 से लेकर आपको यहाँ पर लगा सकते हैं TNY 290 तक, कोई भी ऐसी यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए मेरे को बेस्ट लगता है 277, तो मैं 277 का ज्यादा उपयोग करता हूँ। मैं कोई भी इधर का ऐसी उड़ा रहता है तो मैं सिर्फ 277 ही ला के लगाता हूँ, क्योंकि मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है, अब मीडियम भी है और अच्छा भी है, एकदम लो क्वालिटी भी नहीं है, एकदम हाई क्वालिटी नहीं है, बीच का है। ओके तो ये लगा के मैं चालू करता हूँ। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर 12 वोल्ट कैसे निकलते हैं जान लीजिए, जब आईसी वर्क करेगा तो 12 वोल्ट निकलेगा। यहाँ पर हाफ एफ रेक्टिफायर बना हुआ है, उसके बाद कैपेसिटर, फिर उसके बाद ए, और यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं रेगुलेटर सर्किट। यहाँ पर ईडी को 12 वोल्टेज कम ज़्यादा होता है उसको सिग्नल देता है, सिग्नल देने के बाद ये 3 नंबर 4 नंबर से कनेक्ट होता है, स्विचिंग होता है, तो ये इनेबल वोल्टेज से यहाँ पर जाके कंट्रोल करता है इसी को, फिर से पल्स के अनुसार काम करके फिर से वोल्टेज को यहाँ पर जितना वोल्टेज होता है, जैसे 12 वोल्टेज है तो 12 वोल्टेज ही बनाए रखता है। TNY 277 PN को पकड़े हुए हैं, अब इस आईसी को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये तो लगेगा नहीं ऐसे, देखो ये लग नहीं रहा है। ओके तो हम इसको बनाए हैं इस तरीके से, देख लो ये पिन निकाल दिए हैं, ड्रेन पिन 4 नंबर ड्रेन पिन के लिए रेड में डाल दिए हैं, रेड है, और यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर पिन को हमने क्या किया है, अलग अलग कलर दिए हैं, ब्राउन है, ऑरेंज है, और यहाँ पर ब्लैक में देखिए ये 5 6 7 8 नंबर पिन, 5 6 7 8 नंबर पिन को मैंने एक साथ जोड़ के क्या कर दिया है, सोर्स को सबको एक करके लगा दिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लीजिए कि कैसे लगेगा, ठीक है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर 300 वोल्टेज आ रहा है, 300 वोल्टेज आके ये रहा ड्रेन पिन, ये रहा, ओके। अब बाकी ये सब सोर्स है, इसमें का ये सब पिन क्या है, सोर्स है, और उसके बाद 1 नंबर जो है इनेबल अंडर वोल्टेज है, और 2 नंबर पिन जो है बाईपास है, ओके। यहाँ पर सेम टू सेम है, बस ये है कि अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो हम इसको ले जाते हैं यहाँ से निकालेंगे जो, चलो अंदर लेके जाते हैं इसको, फिर हम सोल्डर करते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर गम लगा के इसको चिपका देंगे, ओके। अब इधर आ जाइए, सोर्स वाला ब्लैक वाला वायर को क्या रखे थे, सोर्स है, मतलब 5 6 7 पिन को हमने सोर्स में, ये रहा सोर्स है, तो यहाँ पर 6 7 और 8 नंबर पिन है। रेड वाला क्या है, ड्रेन पिन है, तो ड्रेन पिन देखो ये रहा, तो यहाँ पर छोटा छोटा दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर सोल्डिंग नहीं होगा, ठीक है। इधर 300 वोल्टेज डीसी बन के आ रहा है, उसके बाद ये चला गया ड्रेन में। 2 नंबर पिन देखो यहीं पर लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और ध्यान से देख सकते हैं, एक बार और बताता हूँ, ड्रेन प्राइमरी वाइंडिंग का ड्रेन में यहाँ पर जो आईसी जाता है वहाँ पर लगा दिए हैं,
ठीक है, ब्लैक वायर में आपका आईसी का सोर्स ऑफ पिन को यहाँ लगा दिया ग्राउंड में। उसके बाद एक नंबर पिन को हमने एक नंबर में ही लगा दिया, और उसके बाद दो नंबर पिन को हम यहाँ पर जगह नहीं बन रहे थे इसलिए यहाँ पर ले आए उसी का पिन का। ठीक है, इस तरीके से आप लगा लीजिएगा। इसको चालू करके देखेंगे, ये रहा फीडबैक का, इसका कम्युनिकेशन केबल यही लाइन दे दिए, इधर देख सकते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस आईसी के बदले में आईसी डाला हूँ। आईसी उसका ओपन हो गया था, बाकी ये वाला कैपेसिटर यहाँ पर ख़राब था, इसको भी चेंज किया था। यहीं कैपेसिटर ख़राब होने के साथ साथ आईसी भी ख़राब हो गया था, ये फटा हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर इसमें लगा हुआ था, ये ऊपर से उबा हुआ है यहाँ पर, इसको हमने चेंज कर दिया और ये आईसी लगा दिए, चालू भी हो गया। अब यहाँ पर ब्लू गन से लगा के इसको चिपका देंगे।